हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तृप्तीज़ किचन। आज हम बनाने वाले हैं स्टफ़्ड आलू टिक्की। ये मूंग दाल के स्टफिंग से बनेगा, तो आइए पहले हम इसका स्टफिंग रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल भिगो कर रखा हुआ था, ये मैंने 4-5 घंटे भिगोया है। ये अच्छी तरीके से भीग गया है, इसका पानी मैंने निकाल लिया है। इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक, ये मैं इसमें डाल दूंगी। फिर इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें खड़ा धनिया डालना है, साबुत धनिया 1 टीस्पून, थोड़ा सा 1 टीस्पून सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन आप भून कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने भूना नहीं है, मैं ऐसे ही इसमें बेसन यूज़ कर रही हूँ। और ये है थोड़ा सा हींग। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट बहुत थोड़ा डालना है, क्योंकि इसके आउटर लेयर पे भी सॉल्ट रहेगा। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है इस तरीके से। अब हम इसे भूनते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। ये जैसे ही थोड़ा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे, ऐसे ही जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो हम डालेंगे इसमें। ये मैं सारा पेस्ट इसमें डाल देती हूँ। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। स्टार्टिंग में ये चिपकेगा, ये बंधा बंधा रहेगा। जैसे जैसे पकेगा ये अच्छे से खिल जाएगा और हल्का भी हो जाएगा। बस इसे हमें चम्मच चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। ये देखिए, ये पकते पकते अलग हो जाएगा और इसका अच्छे से कलर चेंज होते तक के हमें इसको पकाना है। ये देखिए, ये थोड़ा भून गया तो कैसे ये अलग हो गया है, हल्का भी हो गया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। यह लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा। ये थोड़ा अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, और सॉल्ट तो हमने उसी टाइम डाल दिया था जिस वक्त इसको ग्राइंड किए थे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो ये अच्छे से पक गया है, इसलिए अलग अलग हो गया है। ये मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला से बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और यह है ज़ीरा पाउडर। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसमें डाला है शक्कर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, खाली 1 टेबल स्पून, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा पानी डालना है। और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए, ये अच्छे से अब ड्राई हो गया है और ये बहुत अच्छे से पक गया है। हमारा स्टफिंग एकदम रेडी है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, इसका आउटर लेयर हम रेडी करते हैं।
इसके आउटर लेयर के लिए मैंने 3 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं। इसे हमें कद्दूकस करना है। इसमें कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए। हमें अंदर स्टफिंग करना है, टिक्की बनाना है, तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। आप इसके जगह आधा कॉर्नफ्लोर आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही यूज़ किया है। ये मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अब इसे हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे। इसे हम अपने हाथों की मदद से अच्छे से बाइंड करेंगे, जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे गूंदना है ताकि अच्छे से ये एक डो रेडी हो जाए, अच्छे से बन जाए, तभी इसमें स्टफिंग अच्छे से हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने हाथों का यूज़ करके अच्छे से इसको बाइंड कर रही हूँ। ये बिल्कुल बंधने लगा है और देखिए ये कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम अपना टिक्की रेडी करते हैं। मैं छोटा सा पोर्शन लूँगी इसका, जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं ना बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही लेना है। और बीच में थोड़ा जगह बना देना है, कटोरी की तरह इसे बना देना है ताकि बीच में हम इसमें अपने स्टफिंग भर सकें। जैसे पराठे में हम मसाला भरते हैं उसी तरीके से बीच में इसमें स्टफिंग रखना है। और एकदम हल्के हाथों से इसे बाइंड करना है। इसे पूरा कवर कर लेंगे और इस तरीके से कवर होने के बाद हम इसे अपने दोनों हाथों से दबा दबा कर अच्छे से गोलाकार देंगे। ये देखिए अब हमारा ये टिक्की एकदम रेडी है। ये देखिए मसाला अंदर अच्छे से भर चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी टिक्की भी बना लूँगी। ये देखिए मैं दूसरा टिक्की भी आपको बना के बताती हूँ। ऐसे हमने गोल थोड़ा सा पोर्शन लिया है, बीच में थोड़ा जगह बनाया है, थोड़ा सा स्टफिंग इसमें हम डालेंगे। ये हमने डाल दिया स्टफिंग और इसे हल्के हाथों से कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद इसे अच्छे से दबाकर गोलाकार देना है। ये इस तरीके से इसे बांधना है। ये आलू टिक्की बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप आलू टिक्की चाट की तरह भी खा सकते हैं, ऐसे भी चटनी में सर्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने पैन में ले लिया ऑयल और अब हम अपने टिक्की को इसमें सेकेंगे। ये मैंने डाल दी इसमें टिक्की। ये बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसे हमें धीमी आंच पे ही सेकना है। धीमी आंच पे सेकेंगे तो बहुत क्रिस्प सिकेगा, बहुत क्रिस्प बनेगा। ये मैं पलट देती हूँ इसे। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा कलर आया है इसका, एकदम गोल्डन कलर आया है। बस इसे पलट पलट कर हमें अच्छे से क्रिस्प होते तक सेकना है। बहुत ही धीमी आंच में सेकना है फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो ये जल जाएगा और क्रिस्प नहीं हो पाएगा। ये हमारा टिक्की बहुत अच्छे से सीख गया है। कितना सुंदर इसका कलर आ गया है। बस हमारी टिक्की रेडी है फ्रेंड्स। इसे निकालते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा
और कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये हमारा टिक्की रेडी हो गया। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।